डन, थैंक यू। Hi guys, hi everyone, how are you? जैसा कि आप सब लोग, फर्स्ट मैं कंफर्म कर लूं कि क्या मैं ऑडिबल हूं आपको, सुनाई दे रहा हूं मैं? इज इट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? से यस, देन वी विल स्टार्ट द टॉकिंग सेशन। ओके, सुनाई दे रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और डीएम आ रहे हैं मुझे। जैसा कि आप लोगों ने अभी इंटरनेट पे देखा होगा या फिर आपको पता चला होगा, मुझे एक उत्तर प्रदेश से, यूपी से किसी एक लड़के ने, किसी एक अंकल ने मतलब, डेथ थ्रेट मेल डाला था। उस मेल में उन्होंने मुझसे कुछ 10 लाख रुपए मांगे थे और कहा था अगर आप ये 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो आपका हाल भी सिद्धू मूसे वाले जैसा होगा। और इस तरह से कुछ उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी और आपकी फैमिली को पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा कि आपने हमें ये पैसे क्यों नहीं दिए। और मुझे ऐसा लगा कि इन बातों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने पुलिस के पास गया मैं, और मैंने पुलिस से बात की क्योंकि मुझे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया हाउसेस के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आज ट्वीट किया था थैंक यू बोलने के लिए। सो जो मुझे लेटर आया था, बेसिकली ईमेल आया था, और मैं उस ईमेल को आपको सुनाता हूँ। बेसिकली उस ईमेल में क्या लिखा हुआ था, ईमेल में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि हाय, मैं टीम लॉरेंस विश्नोई से बात कर रहा हूँ, बिहाफ उनके बात कर रहा हूँ। हम लोग पैसों का कलेक्शन कर रहे हैं और गोल्डी बरार का नीचे एक डिजिटल सिग्नेचर था, और 10 लाख रुपए दो वरना आपकी उल्टी गिनती शुरू, आपको मार देंगे। मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुझे इमीडिएटली पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया। अभी मेरे साथ पुलिस प्रोटेक्शन है, मेरे साथ 2 गनमैन हैं, और पुलिस ने इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पुलिस इमीडिएटली यूपी के लिए रवाना हुई, एक टीम बनाई। मैंने कॉल किया था आईपीएस ऋचा तोमर को, जो कि वेस्ट की डीसीपी हैं, जयपुर वेस्ट की। मैं जयपुर था उस टाइम, ये आज से 7 दिन पुरानी बात है। सो तो डीसीपी वेस्ट ने इमीडिएटली एक्शन लिया, उन्होंने अपने लोकल थाने में बोला, जो कि चित्रकूट लग रहा था, उस थाने से वहां से एक टीम गई और टीम जाकर के यूपी से उस आदमी को पकड़ के आई जिसने मुझे मेल किया था। एंड अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निकला है कि वो एक ड्रगिस्ट था, और वो एक ड्रगिस्ट था और उसने वो मेल इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत सारे लोगों को और सर्च किया उसने, जिससे उसको लगा होगा पैसे मिल सकते हैं। उन्होंने लोगों को सर्च किया, पब्लिक फिगर्स को, सेलिब्रिटीज को, एंड उसने हम लोगों को ये मेल डाला। थैंक्स टू राजस्थान पुलिस वंस अगेन, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, ही इज इन अ पुलिस कस्टडी राइट नाउ, और उसे जो भी बेस्ट होता है, जो भी उसके उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी। तो मैंने आज थैंक यू बोलते हुए एक ट्वीट किया था टू राजस्थान पुलिस एंड ऑल दी जयपुर पुलिस, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, वो सब लोग जिन्होंने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की, वो सब लोग जो दिन रात ड्यूटीज दे रहे थे, वो जिन्होंने चीज़ को सीरियसली लिया, टू माय बिल्डिंग, टू माय गार्ड, टू एवरीबॉडी, टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने जब से ये बताया है तब से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस, मेल्स और ट्वीट्स कर रहे हैं। बिकॉज सी, मैं नहीं कहता मीडिया कुछ अच्छा बुरा लिखेगी, मीडिया वही लिखेगी जो हमने कहा होगा, मगर लोग कई बार उनकी राइटिंग्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो एक फेक मेल था, मतलब था वो सिद्धू से, या फिर वो सिद्धू मूसा, वो सॉरी सिद्धू पाजी की याद आ रही,
ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू अ विश्नोई गैंग एंड एज वेल एज गोल्डी बरार का भी कोई सीन नहीं था उसके अंदर, उसने वो फालतू की हरकत की थी उस आदमी ने। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम डर जाते हैं ऐसे मेल्स आने पे, द मैसेज बिहाइंड आई एम कमिंग लाइव कि ये जो मैसेजेस आपको आते हैं ऐसे थ्रेट करने वाले सेलिब्रिटीज को और शायद पब्लिक फिगर्स को बहुत ज्यादा आते होंगे और हम घबरा जाते हैं ऐसे मेल्स को पढ़ के, बट पुलिस ने मुझे बहुत ज्यादा साथ दिया और पुलिस ने मुझे इस बात को दबाने को कहा। पुलिस ने मुझे कहा कि आप दबाना इन सेंस, पुलिस ने कहा मीडिया और पब्लिक को भी आप मत बोलो, अदरवाइज हो सकता है कि उन लोगों ने ना किया और उन लोगों को लगने लगे कि यार ये हमारे नाम पर क्यों गेम खेला जा रहा है। तो उन लोगों ने वो नहीं किया था, यहां तक अभी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, एंड देन उनका मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है तो वो क्यों करते। सो एक फालतू आदमी नशेड़ी ने मेरी 7 दिन की पिछली जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी, एंड राइट नाउ आई एम इन अ सुकून। अब मैं लाइट हूँ, सुकून में हूँ कि वो पकड़ा गया है। और कई बार आप लोगों को ऐसे थ्रेट्स करके कुछ फालतू के लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिनका कुछ बेस नहीं होता, बस ऐसे ही लोगों से पैसे कमाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो उनमें से ये एक हरकत करने वाले को यूपी से लेकर के आए हैं, जयपुर पुलिस वाले, एंड थैंक्स टू यूपी पुलिस ऑल्सो, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू ऑल मीडिया हाउसेस जिन्होंने अभी इस चीज़ को प्रिंट किया, एंड आई एम थैंक यू। आप सब लोग नीचे लिख रहे हैं कि टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू। आई एम इन पुलिस प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोगों की बहुत सारी मम्मियों की, एंड इनफैक्ट मेरी मदर भी ऊपर बैठ के देख रही हैं, बहुत सारी मम्मियों की दुआएं हैं मेरे साथ, सो थैंक यू। टी शर्ट कहाँ से ली? संजय खयानी, मैंने टी शर्ट लिया है, आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे अपना एड्रेस डीएम करें, मैं टी शर्ट आपको दे दूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, आप हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, बिकॉज मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा परिवार है आप लोग, अगर आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। थैंक्स, लव यू, टेक केयर। और एक और चीज़ भी हमारे यहाँ पे हुई है, उस बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि ये जो कल एक उदयपुर राजस्थान के अंदर एक केस हुआ जिसके अंदर somebody was claiming कि मैं अपने जस्टिस के लिए कर रहा हूँ, अपने लॉर्ड के जस्टिस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके उस गलती को करने की वजह से, उसके उस बेवकूफ़ी को, पागलपने को करने की वजह से अब उसकी फैमिली को पूरी जिंदगी ये सोच के घर से निकलना पड़ेगा कि कहीं कोई और उसका फ्रस्ट्रेशन उनसे ना निकाल दे, इजंट इट। बहुत सारे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन सब लोगों को अपने घर से सोच समझ के निकलना पड़ेगा कि यार बाहर पता नहीं क्या माहौल होगा। ये तो मेरी बात थी इससे पहले, पर मैं पब्लिक की बात करना चाहता हूँ। सी, कौन सा धर्म पुराना है, कौन सा धर्म नया है, कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म बाद में आया, कौन सी जगह कहां पर है, कौन सी जगह कहां पर नहीं है, इन सबसे पहले आपके पास आपका घर है, आपका खुद का घर का एक एक टेम्पल है, मॉस्क्यू है, एक एक मत्था टेकने की प्लेस है, वहां पर आप सबसे पहले हाथ जोड़ें, और उसके बाद में आपके पेरेंट्स हैं, आप उनका ख्याल रखें, देश और दुनिया के बारे में सोचें, लेकिन सोचने के रास्तों से सोचें, आपको गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं, आपको कुछ गलत ना हो जाए, आप किसी गलत गाइड मिसगाइड में ना आ जाएं, आप वो पहले सोचें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। कुछ पागल छिछोरे आवारा बेकार लोग आकर के कोई भी हरकत करेंगे, क्योंकि वो तो लूजर्स हैं, दो जने मिलकर के एक आदमी के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो दे आर लूजर्स, राइट। वो बड़ी बड़ी बातें वीडियो टेप्स में करना कि मैं ऐसे करना चाहता था, मैं वैसे करना चाहता था, सब फालतू की बातें। करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जिगर चाहिए होता है, अगर इतनी हिम्मत थी तो कहीं चौराहे पे जाकर के 200 लोगों के बीच में एक क्लेम करना चाहिए था उनको, राइट। तो सेम टाइम जजमेंट और पनिशमेंट और क्या कहते हैं जस्टिस हो ही जाता वहीं पे ना, स्पॉट पे। बट दे केप्ट अ इनोसेंट गाय, दे प्लांड अ इनोसेंट गाय टू डू दिस, राइट। सो तो माय पॉइंट इज कि वो लोग किसी के भी सगे नहीं है, ना वो किसी धर्म से आते हैं, ना वो किसी प्रजाति से आते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना स्ट्रगल कर नहीं सकते हैं, अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते रोजमर्रा की उन लड़ाइयों से, उन जरूरतों से, उन नीड्स से जिससे आप और मैं लड़ रहे हैं, इस वजह से ये लोग ऐसे काम करते हैं, राइट। ये शॉर्टकट से मुझसे पैसे मांग लेना, या आपको ब्लैकमेल कर देना, या किसी और से बदतमीजी कर लेना, या अपने आप को किसी धर्म और मजहब का ठेकेदार बनाने की कोशिश करना, इन लोगों के घरों को एक बार जाकर के देखो कि अपने घरों को बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं क्या, ये अपने डिपेंडीज को खुश रख पा रहे हैं क्या,
अगर ये अपने डिपेंडीज को खुश रख पा रहे हैं तो इन लोगों को ये सब कुछ करने का राइट है, अदरवाइज कोई राइट नहीं है। राइट, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करें, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा सुरक्षित और खूबसूरत रखें, अपनी मम्मी को इतना खुश रखें कि वो प्राउडली पूरी दुनिया के सामने खड़ी होकर के, या जो भी आप पे डिपेंडेंट है वो सब लोग प्राउडली सबके सामने खड़े होकर के कह सकते हो आपको कि रियली आप कुछ हैं। इंसानियत के विशाल कोटियान कैसे हैं सर? विशाल, इंसानियत के आगे कुछ नहीं, ऊपर वाले ने इंसान बनाया और इंसान ने धर्म। एग्जैक्टली विशाल, बहुत बड़ी बात बोली आपने कि हम लोग किस धर्म के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं यार, हम क्यों समाज के ठेकेदार हो रहे हैं। ऑब्वियसली, एंड विशाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी लाइव इसलिए आया था, बोल बम, एक तो बंदा मस्त है तू, और दूसरा मेरे को एक डेथ थ्रेट मिला था, मैं उसके लिए यहाँ पर पब्लिक के सामने आया था। सो विशाल इज़ अ वेरी गुड गाय, इसने बिग बॉस बहुत ज़बरदस्त खेला था, कई लोगों को हजम नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था इसके खेलने का तरीका, क्योंकि शायद ये शतरंज का वो वाला वजीर था जो बहुत आगे तक जा सकता था, इसीलिए कंटिन्यू मेकर्स ने भी और बाकी सब लोगों ने भी कंटिन्यू इसके प्लान्स को, इसकी चीज़ों को एक्सपोज करते रहे, खोलते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे, क्योंकि किसी और से शायद हो सकता है थोड़े लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट होगा विशाल भाई। राइट विशाल, चलिए, टेक केयर दोस्तों, लव यू, बाय। आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी मम्मी को बोलेंगे कि मनु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दुआ में याद रखना, जैसे अभी दुआ में याद रखा और हम ऐसे पकड़ के ले आए उस आदमी को। टेक केयर, मनु पंजाबी, लव यू गाइस। उड़ता फिरूं।